हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। कल हमने टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस पेपर्स के। आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो 10 दिन में काम पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10+2 परीक्षा 16/11/2014 में आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 36। सॉल्यूशन, कुछ आदमी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। माना शुरुआत में आदमियों की संख्या x थी, माना शुरुआत में आदमियों की संख्या x थी, तो बाय MTS फॉर्मूला M1D1 इज इक्वल टू M2D2, तो x इंटू 60 बराबर x प्लस 8 इंटू 10। 8 आदमी और शामिल हो गए, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6x बराबर 50। 5x प्लस हो जाएगा ये 40, तो 6x माइनस 5x बराबर 40। बाय M1D1 इज इक्वल टू M2D2 से x इंटू 60 शुरुआत में, जब 8 आदमी और हो जाते तो x प्लस 8 इंटू, तो काम 10 दिन कम में ही पूरा हो जाता है, तो बचे कितने कम? 50। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6x बराबर 5x प्लस 40। इसको इधर ले लेंगे, 5x को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर 40। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है, तो माँ 15 घंटे में कितना केक बना सकती है? ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल 10+2 16/1/2017। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 10। सॉल्यूशन, बहन द्वारा एक घंटे में बनाए गए केकों की संख्या कितनी होगी? 50/25, 2। माँ प्लस बहन द्वारा एक घंटे में बनाए गए केकों की संख्या बराबर है 75/15, 5 के। माँ द्वारा एक घंटे में बनाए गए केकों की संख्या कितनी है? 5-2 बराबर 3। तो 15 घंटे में बनाए गए केकों की संख्या पूछ रहा है, तो 15 घंटे में बनाए गए केकों की संख्या कितनी होगी? 15 इंटू 3
मतलब 45 के एक, ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 13, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुषों और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी रुपये 2.55 प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले हो तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी। ये क्वेश्चन आ रहा है SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ 30/4/2017। पहला ऑप्शन है पुरुष की है, पुरुष के रुपये है 2.75, महिला के 2.25, पुरुष के हैं 5.30 रुपये, महिला के 2.50 रुपये। पुरुष के हैं, तीसरा ऑप्शन है पुरुष के हैं 2.50 रुपये और महिला के हैं 2 रुपये। चौथा ऑप्शन है पुरुष के 3.25 रुपये, महिला के 2.75 रुपये। इसका सॉल्यूशन, अब हमें ये नहीं पता कि महिला और पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है, तो सबसे पहले माना पुरुष की दैनिक मजदूरी X है, तो महिला की दैनिक मजदूरी चूंकि महिला को 50 पैसे कम मिलते हैं पुरुष से, तो महिला की दैनिक मजदूरी होगी X-1/2 रुपए। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि 600 पुरुष 600x प्लस 400 महिला, 400 × X-1/2 = उनकी औसत मजदूरी 2.55 प्रतिदिन थी, तो कितना होगा 600 प्लस 400 1000, दोनों का औसत इंटू 2.55 रुपए। तो कितना हो जाएगा 600x प्लस 400x माइनस 200 बराबर 2550। कितना हो जाएगा 1000x बराबर 2750। तो x बराबर 2750 बटे 1000, तो कितना हो जाएगा 2.75। और महिला की है x माइनस, महिला की दैनिक मजदूरी है X-1/2, तो x कितना है 2.75 माइनस 0.5, कितना आ जाएगा 2.25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला पुरुष की है 2.75 रुपए और महिला की है 2.25। अगला क्वेश्चन है एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया, 20 मजदूरों के साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे MTS फॉर्मूले से। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 16। सॉल्यूशन, M1D1/W1 = M2D2/W2। तो 20 × 12, M1 20 × 12 दिन बटे में 5/8, M2 ×
16 दिनों में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 12 दिन काम करने के बाद कितना हो गया, 4 दिन बटा 3 बटा 8। तो यहां से क्या आ जाएगा, 20 इंटू 12 बटे 5, एम टू इंटू 4 बटा 3, 5 से ये 5 कैंसिल आउट, तो एम टू कितना आ गया, 36, एम टू 36। तो शुरुआत में कितने थे, अतिरिक्त मजदूरों की कितनी आवश्यकता होगी, तो 36 में से 20 माइनस कर देंगे, 20 मजदूर थे तो बच्चे कितने, 16। तो 16 अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 CHSL में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 60 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 75 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 80 मिनट और चौथा ऑप्शन है 150 मिनट। इसका सॉल्यूशन, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ये कर सकते हैं 30 मिनट में, और ए प्लस बी मिलकर 50 मिनट में, तो टोटल काम कितना हुआ, 150। 150 में 3 का भाग, 30 का भाग देना है तो 5, ये किया जाएगी दक्षता, और 150 में 50 का भाग देंगे तो 3। अब सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा ये निकालना है, तो ए और बी 50 मिनट में कर सकते हैं और ए बी सी 30 मिनट में कर सकते हैं, यहां से हमने दक्षता निकाल ली है। अब ये देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 5, ये इसकी दक्षता, हमें पूछ रहा है सी, तो सी की पहले दक्षता निकालनी पड़ेगी, तो ए प्लस बी की दक्षता कितनी है, 3, तो 3 प्लस सी बराबर 5, तो सी कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2, तो सी की दक्षता 2 आ गई, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 150 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 75 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, और इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5/8, दूसरा ऑप्शन है 8/15, तीसरा ऑप्शन है 60/15, चौथा ऑप्शन है 1/10। सॉल्यूशन, ए 20 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 40 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 40, यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये इसकी 2 ए की और बी की हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इसकी दक्षता, या कितना आ गया। अब देखेंगे, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है, तो 5 दिनों तक उन्होंने कितना काम कर लिया, 5 इंटू 3, उन्होंने दोनों ने मिलकर 15 काम कर लिया, था कितना टोटल काम, टोटल काम था 40, टोटल वर्क 40 में से 15 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 25, ये 25 काम है, 25 काम बचा कितने में से, 40 में से, तो इसको काट देंगे, पचम 25 और 5 अट्टे 40, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/8, ये काम है जो शेष रह गया। क्वेश्चन नंबर 17, यदि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करें और के कार्य को आरंभ करें
तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 11 दिन, तीसरा ऑप्शन है 9 दिन और चौथा ऑप्शन है 12 दिन। सॉल्यूशन कै और खे, कै तो 9 दिन में और खे 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 45। ये हो गया कुल कार्य टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कै की तो 5 और खे की 3, ये हो गई इसकी दक्षता। अब बारी बारी से अल्टरनेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पहले के करता है, फिर के खे करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, ऐसे। तो के फिर खे फिर के फिर खे, ऐसे काम चल रहा है। तो के कितना करता है? एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, और खे एक दिन में 3 काम, ऐसे ही एक दिन में 5 काम 3 काम। अब देखो ये एक दिन टोटल दिन 2 दिन हो गए, 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ? 8 काम, ठीक है। अब मुझे काम करवाना कितना है? टोटल 45 काम करवाना है इसको, 8 ये काम है 8 और टोटल वर्क कितना है? 45। मेरे को यहां तक पहुंचना है तो किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं 5 से, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन गुणा हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन गुणा हो जाएगी, तो 5 गुना 10 दिन और 8 पंजे 40 काम, 40 काम 10 दिन में हो गया। अब काम दोबारा कौन करेगा? क्या करेगा, क्योंकि पहले प्रारंभ में प्रारंभ कौन करता है? आरंभ करता है के। तो 10 और 1 11 दिन, अब के करेगा तो कितना काम हो गया? 45 काम। तो उत्तर कितना आ गया? 11 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? पहला ऑप्शन है 5 दिन, दूसरा ऑप्शन है 6 दिन, तीसरा ऑप्शन है 10 दिन, चौथा ऑप्शन है 12 दिन। सॉल्यूशन ए 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है और वो सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में, तो टोटल काम निकाल लेंगे अपन, टोटल काम हो जाएगा 60। ये आ गया टोटल काम। इनकी दक्षता, इसकी दक्षता हो जाएगी 3, इसकी 4 और इसकी 12, ये हो गई एफिशिएंसी यानी दक्षता, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 12, ये दक्षता है। अपन को निकालना किसका है? सी, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी की दक्षता कितनी है? ए प्लस बी की है 7, तो 7 प्लस सी 12, तो सी कितना आ जाएगा? 5। सी की दक्षता 5 आ गई, तो सी कितने दिन में करेगा? 60 बटा 5, कितना हो गया काम? 12 दिन, 60 बटा 5 12 दिन, तो सी को कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन 19, ए बी और सी किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं, यदि ए और बी मिलकर काम का 7 बटा 11 भाग पूरा करता करते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन है पहला 200 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 400 रुपए और चौथा ऑप्शन है 450 रुपए। सॉल्यूशन ए और बी को मिलकर कितना भाग पूरा करते हैं और बी मिलकर 7 बटा 11, तो सी यानी कि 7 जो भाग है ऊपर वाला, जो 7 भाग है अंश है न्यूमरेटर, वो 7 भाग ए और बी मिलकर काम करते हैं, तो सी द्वारा किया गया काम का भाग, सी द्वारा किए गए काम का भाग
कितना हुआ, एक माइनस सात बटा ग्यारह, तो सी कितना, सी का शेयर कितना हो गया, सी का हिस्सा हो गया चार बटा ग्यारह, और कुल धनराशि कितनी है 550 रुपए, 550 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, चार बट्टा ग्यारह इंटू 550 रुपए, 50 और ये हो जाएगा 200 रुपए। तो सी का, सी के कितने रुपए हुए, 200 रुपए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन है पहला 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 20 दिन, तीसरा ऑप्शन है 11 दिन, चौथा ऑप्शन है 15 दिन। सॉल्यूशन, ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला मिलकर 20 दिन में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यही होता है इसका टोटल वर्क। यह जाएगा 12 पंच 60 और 3, ये हो गई इसकी दक्षता। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी की दक्षता है 5, ए की 3 प्लस बी 5, तो बी की दक्षता कितनी आ गई 2। लेकिन बी को हमें केवल आधा ही दिन काम कराना है उसकी दक्षता से, तो बी कितना हो जाएगा, एक। बी की दक्षता कितनी हो जाएगी 1, तो टोटल काम कितना है 60 बटे टोटल ए का मान ए की 3 और बी की 1, तो टोटल कितना हो गया 4, तो काम कितना होगा 15 दिन, 15 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4। ये थे जो आज के 20, 10, 11 से लेके 20 क्वेश्चंस। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आवे तो फ्रेंड्स, डाउट आए तो आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।